आपके साथ। फेसबुक की पैरेंट कंपनी मेटा ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर लगे बैन को हटा दिया है। मेटा ने कहा कि ट्रंप राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, ऐसे में उन्हें भी प्रचार करने के लिए सभी की तरफ बराबरी का मौका मिलना चाहिए। अन्य उम्मीदवार भी मेटा के प्लेटफॉर्म्स फेसबुक इंस्टाग्राम का इस्तेमाल चुनाव के लिए कर रहे हैं, ठीक इसी तरह ट्रंप को भी इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करने का अधिकार है। दरअसल अमेरिका में 2021 में एक हिंसा हुई थी और उसके बाद मेटा ने ट्रंप के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बैन लगा दिया था। 6 जनवरी 2021 को अमेरिकी संसद में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों पर मोहर लगाए जाने के दौरान सैकड़ों ट्रंप समर्थकों ने यहां हिंसा की थी। इसमें एक पुलिस अफसर समेत 5 लोगों की मौत हो गई थी। ट्रंप पर समर्थकों को उकसाने का आरोप लगा था। इसके बाद उनके सोशल मीडिया अकाउंट सस्पेंड कर दिए गए थे। कैपिटल हिल में हिंसा के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर 1 मिनट का वीडियो पोस्ट किया था। फेसबुक और यूट्यूब ने ट्रंप का वीडियो रिमूव कर दिया था। फेसबुक के वाइस प्रेसिडेंट ग्वे रोजेन ने कहा था कि इमरजेंसी है, ट्रंप के वीडियो से हिंसा और भड़क सकती है। ट्रंप ने फेसबुक की कार्रवाई को उन 7.5 करोड़ लोगों की बेइज्जती बताया था जिन्होंने 2020 के चुनाव में ट्रंप को वोट दिया था। ट्रंप ने कहा था उन लोगों को सेंसर कर और चुप कराकर बाहर नहीं किया जा सकता, हम फिर जीतेंगे, हमारा देश इस बेइज्जती को और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर अमेरिका को ईसाई नवंबर में उनको वोट देंगे तो उन्हें दोबारा कभी वोट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्लोरिडा में कंजर्वेटिव ग्रुप के एक इवेंट को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि अगर मैं राष्ट्रपति बना तो सभी चीज़ें ठीक कर दूंगा। इसी के साथ बने रहे एशियन न्यूज़ इंडिया के साथ।